सिस्टम से सिर्फ कोचिंग ही ना चले सिस्टम से पूरा मार्केट भी चले रोड पर कोई दुकान भी ना लगे हम तो ये भी चाहते हैं कि सिस्टम से सरकार भी चले और जहां सौ रुपया का खर्च होता है नाला बनाने पर तो सौ रुपया का बिल बनता है लेकिन खर्चा होता है पचास रुपया नमस्कार दोस्तों वो तीन होनहार हमारे देश ने खो दिया है जिन्होंने ऐसे सपने देखे थे उन ऊंचाई पर जाने का सपना देखा था जिससे ना तो सिर्फ उनके माँ बाप बल्कि पूरा समाज और पूरा देश कभी फक्र करता गर्व महसूस करता वो आज नहीं है इस दुनिया में भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे पर ये विषय चर्चा का है बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस मुद्दा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं कई सारी बातें तो ऐसी होती है कि लगता है कि वास्तव में सही है फिर भी नहीं बोल पाना पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे बोलना पड़ा बारिश और बारिश से बड़ा लापरवाही जिसने इन तीन होनहार छात्रों की जिंदगी खत्म कर दी दिल्ली जहां पीएम भी रहते हैं सीएम भी रहते हैं और बड़े बड़े मंत्री अधिकारी भी रहते हैं और दिल्ली का हाल वो हाल जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली में दो दिन पहले सुखार रहता है और दो दिन में इतनी बारिश होती है कि पूरे दिल्ली जल जमाव हो जाता है और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे जो कि लाइब्रेरी के अंदर थे वहां पर जो सिस्टम था दरवाजा बताया जा रहा है कि वो जो फिंगर लगा के हम लोग जाते हैं अंदर वो वाला सिस्टम था फिंगर लगाने से गेट खुलता था जब पानी उसके अंदर घुसा तो वो सारा सिस्टम फेल हो गया दरवाजा खुल ना सका और बच्चों की जान वहां पर चली गई तो तीन बच्चे बताया जा रहा है और लोगों का कहना है कि तीन से ज्यादा बच्चे थे वास्तविकता अब क्या है प्रशासन जाने प्रशासन जो बता रही है उसमें तीन छात्र हैं पर दोस्तों बात यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी और सब एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है आज प्रशासन एमसीडी विभाग दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कोचिंग सेंटर अलग बात कह रहे हैं कोचिंग सेंटर का आरोप है कि इनकी लापरवाही और उन सब का कहना है कि भाई इनकी लापरवाही है कोचिंग सेंटर वालों की और जिसके वजह से आज पूरे देश में कोचिंग सेंटर पर छापा पड़ रहा है तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि दिल्ली में ये तीन विभागें काम करती एक तो एम एक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अब एम का क्या काम है एम के जो काम है उस बात को जान लीजिए साठ फीट सड़क से कम वाली जितनी भी सड़क है उसको बनाना मरम्मत देखरेख करना बाजार में साफ सफाई प्राइमरी एजुकेशन सड़क और ओवर ब्रिज पब्लिक टॉयलेट का मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, एरिया का स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, कचरा प्रबंधन सीवरेज का काम ये सारे एमसीडी के अंदर आता है और इनके पास पैसे कहां से आते हैं इनको करने के लिए तो ये प्रॉपर्टी प्रोफेशनल और टोल टैक्स से ये पैसा वसूली करते हैं और हां इनके पास छोटे मोटे वाहन जैसे रिक्शा ऑटो इन सब का पार्किंग शुल्क या जो भी शुल्क होती है इन गाड़ियों का इनके पास आता है आगे आती है दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज ये चलाती है इनके अंदर आता है साठ फीट से ज्यादा सड़क हो उसको यही बनवाते हैं उनकी देख भी करते हैं इनके पास पैसे जो आते हैं वो टैक्स से जो हम आप टैक्स देते हैं वैट टैक्स सर्विस टैक्स एक्साइज टैक्स ये दिल्ली सरकार पैसे लेती है केंद्र सरकार का क्या है दिल्ली में तो यह जमीन और कानून व्यवस्था देखती है आपको पता होगा कि पुलिस प्रशासन सब दिल्ली मतलब केंद्र सरकार अपने अंदर रखती है दिल्ली में तो यह इनकी जिम्मेदारी थी अब आपको बताते हैं कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कि कौन गलत है कौन सही है क्या कहा यहां पर एमसीडी ने दिल्ली कोर्ट में इस बात को जानिए एमसीडी ने हाईकोर्ट को गिनाए हादसे के कारण पहला इसने गिनाया कि कोई सुरक्षा कर्मी और निगरानी न होने से घुसा पानी क्योंकि एमसीडी के सुरक्षा कर्मी नहीं आता अब केंद्र सरकार के अंदर आता है तो इसलिए इसने कहा कि सुरक्षा कर्मी न होने के वजह से पहला गिना दिया यह केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया कोई सुरक्षाकर्मी और निगरानी न होने में न होने से घुसा पानी दूसरा इसने कहा इलाके में जल भराव होने और तेज रफ्तार से गाड़ी गुजरने से पानी को कोचिंग में घुसने का रास्ता मिला इसने दो दो लोगों को जिम्मेदार ठहराया ऊपर वाला भगवान बारिश बरसा रहा इंद्र महाराज उसको ठहराया कि जल जमाव हो गया तेज बारिश हुआ और दूसरा इसने जिम्मेदार ठहराया जो तेज रफ्तार से गाड़ी गया इसके बारे में अब यहां पर समझिए जिसके वजह से कोचिंग में पानी घुसा तीसरा इसने कहा कि कोचिंग सेंटर के सामने ड्रेनेज पर पत्थरों से कब्जा किया गया जिसकी वजह से नाले नहीं साफ हुए अब जरा दोस्तों एक बात बताइए जरा समझिएगा कहा कि कोई सुरक्षा कर्मी और निगरानी न होने से घुसा पानी हो सकता है इलाके में जल भराव होने और तेज रफ्तार से गाड़ी गुजरने से पानी को कोचिंग में घुसने का रास्ता मिला सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता पर इतना पानी कहला जमा है तुम्हारा कैसा ड्रेनेज सिस्टम है कैसा तुमने नाला बनाया है कि दिल्ली में पानी लग रहा है सबसे पहले तो इसको सर माना चाहिए और इसी ने कहा कि कोचिंग सेंटर के सामने ड्रेनेज पर पत्थर से कब्जा किया गया यह पत्थर से कब्जा कब कभ करता है आप गांव देहात या कहीं भी शहर में रहते हैं आपके घर के आसपास अगर रोड पर पानी लगने लगता है कोई गाड़ी वाला वहां से पानी उड़ाते हुए जाता है तो आप कोशिश करते हो कि वहां पत्थर डाल दें हालांकि यह गलत है रोड आपके बाप का अकेले का नहीं है आप रोड पर पत्थर डाल देते हैं और डाल लोग इसलिए देते हैं कि कोई गाड़ी वाला ही पानी में उड़ाकर ना जाए वहां पर पत्थर डाल देता है किसके इसके छीटे मेरे दरवाजे पर ना पड़े घर पर ना पड़े मेरे ऑफिस है दुकान है वहां पर ना पड़े हो सकता है ये कोचिंग जहां है रोड के किनारे कोचिंग तो रोड के किनारे कोचिंग है वहां ऑफिस भी होती है या हो सकता है कि लाइब्रेरी ही हो तो जल जमाव अगर लगातार हो रहा है तो लोग वहां पत्थर रख देते कि गाड़ी तेज से पानी ना उड़ाए तो ये जल जमाव इसका मतलब है पहले से हो रहा था लगातार जिसके वजह से वहां कोचिंग वाले ने पत्थर रख दिया जबकि यह कोचिंग वाले का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो पत्थर रखे लेकिन अपने बचाव में उसने रख दिया अब एमसीडी वाला को देख लीजिए अब इसके बाद अगर आप आगे आइएगा तो आप जानिए कि पूरे भारत का पोल खोल के इस बार की बारिश ने रख दिया है चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पुणे हो हर जगह की स्थिति आप देख सकते हैं यह लखनऊ की स्थिति है जहां पर कार डूब गई है पानी में अभी आप लखनऊ का न्यूज में देख ही रहे थे यहां पर यह दिल्ली का है इतनी जल जमाव इतनी भारी बारिश में इनके सारे के पोल खुल गए सारे रिपोर्ट तैयार करते हैं मई जून में ही कि हमने सारे नाले की साफ सफाई कर ली है हाँ इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं कचरा कहां डालना है और फेंकना कहां है और लेकिन लोग करते नहीं है आज ये मुद्दा इसलिए है कि आज हमारे तीन नौजवान छात्र होनहार छात्र जो इस देश से चले गए तो हमें और आपको बोलने की और प्रशासन को भी नींद खुली है तो हर जगह जांचे हो रही है लेकिन क्या ऐसे ही जान जब तक नहीं जाएगी किसी भी विभाग को सही करने की कोशिश नहीं किया जाएगा आज पता चल रहा है कि कोचिंग का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है ये आज पता चल रहा है कि पूरे भारत के बिल्डिंग कोचिंग जितना भी कोचिंग सेंटर है उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है दो गो सीढ़ी नहीं है लिफ्ट का व्यवस्था है तो सीढ़ी नहीं है एक तरफ से सीढ़ी है ये आज पता चल रहा है लोगों को इतने दिन से किसी को पता नहीं था तो सबसे बड़ी बात ये है कि, कि किसी को किसी बात का चिंता नहीं है दोस्तों ये सारे सिस्टम जो चलते हैं सिस्टम कैसे चलता है आपको पता ही होगा तो अभी सारे पोल खुल गए हैं कि सारे नाला रोड और क्या स्थिति है चलिए अब यहां पर आप देखिए रोड पर ठेले लगते हैं ये दुकान चलाते हैं हम मान लेते हैं कि ये गरीब लोग हैं ये बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं, जो ठेला लगाकर रोड के पास झुग्गी झोपड़ी लगाकर वो दुकान चलाते हैं लेकिन आपको पता है क्या ये फ्री में लगाते हैं ये दुकान ये फ्री में नहीं लगाते हैं भाई अगर एम वाला इसकी साफ सफाई करता है और केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है यह दिल्ली पुलिस वाले इससे हफ्ता नहीं वसूलते हैं क्या ये हर कोई हफ्ता वसूली करता है फुटपाथ पर दुकान लगे होते हैं जिसके वजह से पूरा ब्लॉक हो जाता है यह पूरा रास्ता अगर कभी कोई भगदर होता है तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में जान माल की क्षति होती है ट्रेन में लटक लटक के लोग जा रहा है जाता है ना जी रेलवे के पास पुलिस भी है ना बाइक पर दो से ज्यादा आदमी चढ़ते हो फाइन है ना सीट से अपेक्षा जितनी उसकी क्षमता है बाइकी उससे ज्यादा नहीं चढ़ना है दो से ज्यादा नहीं चढ़ना है फाइन किया जाता है ना ट्रेन में सीट से कितने ज्यादा अधिक लोग बैठे होते हैं उसमें फाइन क्यों नहीं करते हो किसको फाइन किया जाए चालक को टीटी को रेल मंत्री को या रेलवे पुलिस को किसको फाइन किया जाए तो क्या वहां जान नहीं है वहां भी लोग हैं ये सारा सिस्टम करप्ट है दोस्तों ये MCD वाला को नहीं पता था कि यहां नाला है यहां पानी है नीचे जो है दिल्ली पुलिस वाला को नहीं पता था दिल्ली सरकार को नहीं पता था जितने भी कोचिंग चलते हैं मुझे लगता है कि कोई भी कोचिंग इस मापदंड को पूरा नहीं करता है जो सरकार कहती है कि इस मापदंड के हिसाब से कोचिंग चलेगा और इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल है दोस्तों ये मत सोचिएगा कि काली कोचिंग वाला बहुत बड़ा लापरवाही करता है जी नहीं यह बहुत बड़ा करप्शन है इस सेक्टर में भी आज अगर सरकार जो नियम निकाल रही है जो ला रही है कि पूरे मापदंड को पूरा जो नहीं करेगा उसकी कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा सील कर दिया जाएगा तो इस बात को जान लीजिए कि कोचिंग वालों से सबसे ज्यादा दुख सरकार को क्यों है मैं आपको बता देता हूं बीपीएससी पेपर लीक होगा कोचिंग वाला और छात्र आंदोलन करता है टीचर का पुलिस का रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर पेपर लीक हो जाए रिजल्ट गलत घोषित हो जाए अभी नीट का यूजीसी नेट का अगर इन सब के पेपर लीक होते हैं तो यही सब आंदोलन करते हैं और सरकार के खिलाफ करते हैं सरकार को यह बात बर्दाश्त नहीं होती है उस समय शिक्षक छात्रों के सहयोग से करता है आंदोलन सरकार के खिलाफ आज सरकार छात्रों के साथ मिलकर कोचिंग वालों के खिलाफ आंदोलन करेगी तो सीधी सी बात है मौका मौका की बात है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मैं ये नहीं कहता हूं कि मानदंड से कोचिंग नहीं चलनी चाहिए सब कोचिंग चलनी चाहिए लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे कोचिंग है ये खत्म हो जाएंगे पूरे देश से और जो बड़े कोचिंग माफिया हैं जिनको आप माफिया कहते सरकार कहती है ये तो चलते ही रहेंगे इनको तो ऊपर से पैसा खिलाया जाएगा और बात खत्म ये छोटे कोचिंग वाले कहां से दो सीढ़ी वाला बड़ा अपार्टमेंट में कोचिंग चलाएगा जो कोई पचास बच्चा कोई बीस बच्चा, कोई बच्चा 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 पढ़ाता है या सौ बच्चा पढ़ाता है है या वो बड़े बड़े बिल्डिंग जहां पर दो सीढ़ी चढ़ने उतरने का है वो किराए पर लेगा ही नहीं मकान और ना तो वहां कोचिंग चलाएगा अगर वैसे जगह वो कोचिंग चलाएगा तो जिसका फीस तीन हजार है उसका फीस नौ हजार होगा तो फिर ये छो हजार एक्स्ट्रा का भार उसी बच्चों को आने वाला है और जो दो लाख तीन लाख चार लाख पचास हजार फीस लेकर पढ़ाने वाला कोचिंग है वो पहले भी चलते रहा है आगे भी चलते रहेगा दोस्तों ये ड्रामा है ये ड्रामा होते रहेगा तो इस बात को समझने की जरूरत है और ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे आपको पते नहीं चलेगा कि हमें किसका विरोध करना है और किसका विरोध नहीं करना है तो बाकी चाहते तो हम भी यही हैं कि पूरा सिस्टम से चले और सिस्टम से सिर्फ कोचिंग ही ना चले सिस्टम से पूरा मार्केट भी चले रोड पर कोई दुकान भी ना लगे हम तो ये भी चाहते हैं कि सिस्टम से सरकार भी चले और जहां सौ रुपया का खर्च होता है नाला बनाने पर तो सौ रुपया का बिल बनता है लेकिन खर्चा होता है पचास रुपया तो ये भी ना हो हम तो चाहते हैं कि सौ रुपया का बजट है तो सौ रुपया खर्च होना चाहिए क्योंकि अगर सुधरने की बात है तो हर किसी को सुधरना चाहिए लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा नाला तो वह बनेगा रोडवा तो वह बनेगा कि कखनियों पानी लगल रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है गेट तोड़ के पानी अंदर घुस गया तो वो जो गाड़ी से गया था एक ऐसी गाड़ी है उसके ड्राइवर और मालिक को अरेस्ट किया गया मकान मालिक को अरेस्ट किया गया है वो गेट को उठाकर ले गया, गया है ले जाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा लेकिन क्या एमसीडी के सारे अधिकारी और जो कोचिंग की जांच करने वाली कमिटी है टीम है क्या उन सबको अरेस्ट किया जाएगा या उस पर केस चलाया जाएगा तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों मुझे नहीं लगता है और जो नियम बनता है ना वो नियम बनता है आम लोगों के लिए और बड़े लोग तो भाई सारे सेटिंग गेटिंग से काम करते हैं और करते रहेंगे बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू